हैकर ब्लॉग और मैं हूँ अभी। न्यू दिल्ली के स्टेशन पे हजरत निजामुद्दीन, और आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। जो आज की मेरी ट्रैवल जर्नी है वो बेसिकली अजीब सी है, क्योंकि मैं शाम को मतलब क्या ऑलमोस्ट इवनिंग के अंदर मैं अपने ऑफिस से उठा और सीधे बैग लिया और कपड़े के अंदर एक जोड़ी कपड़े के साथ में सीधे मैं दिल्ली आ गया। यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं मेरे यहाँ पे आने की। एक पहली बात तो मेरी भांजी का बर्थडे है, अभी 12 बजे पहुँचना है मुझे यहाँ पे, इसलिए अभी रात के 11:30 बजे और मैं यहाँ स्टेशन पे खड़ा हूँ और अभी ओला का वेट कर रहा हूँ मैं। और बाकी दूसरा एक और रीज़न है, कई बार आपको रैंडम ट्रिप मारने का मन करता है या सिर्फ बैग उठाओ और आपको पता नहीं जाना कहाँ है, तो ऐसा वाला ट्रिप ये हमारा अभी होने वाला है। एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता कि अभी मुझे यहाँ पे कितने दिन रुकना है। सो अभी ये बस ट्रिप रैंडम बन गया है, सीधे ऑफिस उठ के आया और अपना बैग लेके चल दिए। अभी यहाँ जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करेंगे, ताकि क्योंकि कपड़ा लेके नहीं आया मैं यहाँ पे पहनने के लिए, तो वो भी अपन को करना है। और रात के टाइम में स्पेशली अगर आप पहनना यहाँ पर उतरते हैं तो भी 12:30 मतलब 12 बजने वाली अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे आप ध्यान रखें, ओला या फिर ऊबर ही बुक करें। आप ना नॉर्मल टैक्सी ना लें, क्योंकि नॉर्मल टैक्सी में कई बार खतरा हो जाता है। एक दो बार हो चुका है हमारे मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि रात में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ओला या ऊबर के ट्रस्टेड ड्राइवर के साथ में ही जाएँ। ऐसे आप रैंडम किसी के साथ ना चल जाएँ। कई बार बीच में ये गाड़ी रुकने का बहाना करते हैं और उसके बाद फिर आपके सामान निकाल लेते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। इसलिए सेफ़ ड्राइव करना ज़रूरी है, और मतलब सेफ़ जर्नी करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप ना ट्रस्टेड ड्राइवर का ही यूज़ करें। थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी यहाँ कैब्स वगैरह मिल नहीं रही है, सिर्फ ऑटो का सहारा है। तो अब देख रहे हैं ऑटो बुक कराएं ओला से, अब कितनी देर में आता पता चलेगा। अभी CNG भरवाने के लिए हमारा ड्राइवर जो है अभी उतरा है। यहाँ पे हम लोग हैं पेट्रोल स्टेशन, अभी इसको क्या बोलते, CNG स्टेशन बोलते होंगे शायद से। रात में आधी नींद के अंदर मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे ऑलमोस्ट मैं सोते सोते आया हूँ कोटा से। तो अभी यहाँ दिल्ली, यहाँ पे प्रोटोकॉल जो अभी काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप दिल्ली स्टेशन पर आएंगे तो कोरोना के प्रोटोकॉल इतने काफ़ी फॉलो नहीं कर रहे। पहले जैसे कोविड के टाइम पे जब हमने ट्रैवल करा था उस टाइम पे काफ़ी ना चेकिंग चल रही थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। इस टाइम पे कोई चेकिंग नहीं है, आप आराम से जाओ आराम से आओ, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को बॉस। तो ऐसा है, अपना मास्क पहन के रखो, ये अपनी सेफ्टी के लिए, कोई और बोलने वाला नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो अभी तो मैंने अभी मास्क पहना हुआ था, बस मैंने अभी वीडियो के लिए मास्क निकाला है। और मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये बोला कि भाई 2 मिनट भर जाएगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि 2 मिनट में उसका CNG गैस भरने वाला है। लाइन लगी हुई लंबी सी, तो अभी देखते साल पागल तो नहीं बना रहा अपन को। ये स्पेशली ये वाला जो मेरा ट्रिप है जिसमें मैं कोटा दिल्ली आया हूँ, और ये मेरा सडनली ट्रिप बना है, और वो भी 2 मिनट के अंदर। और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद अब सोच रहा हूँ कितने दिन रुकूंगा, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। जब तक मन रहेगा तो रुकेंगे, और ये सब ट्रिप मारते रहना चाहिए, आपको थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और अभी ये नहीं पता कि कल टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगा, टूथब्रश कहाँ मिलेगा, उसके अलावा नए कल कपड़े कौन से पहनने, ऐसा कुछ भी नहीं पता। बस ये रैंडम ट्रिप है। बैग उठाया अपना, लैपटॉप ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस की बातें कल मीटिंग वगैरह है तो वो अटेंड करना ज़रूरी है। तो बैग उठाया, उससे अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सीधे चल दिए कहीं पर भी। ट्रेन का टिकट निकाला आराम से गोइबिबो के ऊपर। ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, पर बता रहा हूँ मैं कि आपको भी करना हो ना, गोइबिबो चेक कर लो कौन सा टिकट अवेलेबल, और एंड टू एंड आप ट्रिप पे निकल सकते हैं। गाड़ी लगाई स्टूडेंट की और अपन चल दिए अपने ट्रिप पे। सो शायद 1 या 2 दिन अभी यहाँ पे रहूँगा, फिर देखता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर करके बताऊँगा। जो लोग नहीं आए दिल्ली, या फिर काफ़ी लोग तो दिल्ली आते होंगे काम की वजह से, पर जो नहीं आए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे अपनी सिस्टर से भी मिल लूँगा मैं, और ये सब चलेगा अभी फिलहाल। तो अभी जाना है फटाफट, वो वेट कर रही है मेरा, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 से ऊपर हो गए। अपनी गाड़ी का नंबर आ गया, मुझे लग रहा है CNG में टाइम लगता है भरने में, पर नहीं आज 2-2 मिनट में भर जाती है गाड़ियाँ। अच्छी बात है ये, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। उसके आगे 2-3 गाड़ियाँ और थी, तो वो 2-2 मिनट में भरती गई, और अभी हमारा नंबर आ गया। तो अभी अपन भरा के फटाफट निकलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 12:30 हो चुके हैं यहाँ पे। तो पहुँचना है, फिर थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और फिर खा पी के ढंग से सोएंगे। कल सुबह का व्लॉग फिर वहाँ पर शूट करेंगे। चुके हैं सब, ऑलमोस्ट सब यहाँ पर सो चुके हैं। दिख रहा होगा पूरा शमशान हो रही है गली। तो अभी जाके फटाफट बात बात करेंगे और फिर सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज गया है। दिल्ली के अंदर नाइट में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल में जीपीआर सिस्टम ऑन रखें, ताकि पता चलता रहे आपको कहाँ जा रहे हैं, कैसे। बस अब मैं पहुँच गया हूँ, कल से फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अभी रात के लिए इतना ही करते हैं।